चैनल ओए इट्स यमी। तो फ्रेंड्स, आज इडली खाने का बहुत ही दिल कर रहा था, तो इडली बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसे भिगाना पड़ता है, फिर हमें इसे पीसना पड़ता है, फिर इसे फर्मेंट के लिए रखना पड़ता है। तो आज हमने बहुत ही इंस्टेंटली ये इडली बनाई है। ये हमने बनाई है आज पोहे और सूजी से। तो आप देख सकते हो, ये लग ही नहीं रही कि हमने इसे हम पोहे और सूजी से बनाई है। बहुत ही झटपट बन जाती है, ये खाने में बहुत टेस्टी और एकदम रुईदार सॉफ्ट इडली बनी है हमारी। तो अगर आपको रेसिपी की जानकारी चाहिए तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना पड़ेगा। तो चलो हम रेसिपी की शुरुआत करने जाते हैं। अब तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक कप जितना पोहा। पोहा में हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे थोड़ा। यहाँ पे इसे वॉश करने के बाद इसका जो सारा पानी है वो हम निकालेंगे इस तरीके से, और इसे हम भीगने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से। तो अच्छी तरीके से हमारे जो पोहे हैं वो भीग जाएंगे। तो यहाँ पे एक बोल में मैंने एक कप सूजी ली है, और उसी सूजी में हम डालेंगे यहाँ पे एक कप जितना दही। दही मीडियम है, ज़्यादा खट्टा नहीं है और ज़्यादा फीका नहीं है। तो इसमें डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे हमने सूजी को दही के साथ मिक्स कर लिया था, तो मिक्स करने के बाद ही हमें इसमें जो पानी है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना पानी ऐड किया था। तो इस तरह से हमें सूजी को भीगने के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये जो पोहा है वो भीग चुका है। तो यहाँ पे मैंने ली है ये मिक्सर की जार, जो पोहा है वो इसमें हम डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, और थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमें पीस लेना है पोहा को। तो अब हम इसे जार में से निकाल के इसमें सूजी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो पिसा हुआ पोहा था हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब तो इसमें हम थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ज़्यादा पतली या गाढ़ी नहीं रखनी है, मीडियम कंसिस्टेंसी हम रखेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से वापस मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे ये आधा चम्मच इनो। इनो डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इनो डालने के बाद देखो ये अच्छी तरीके से एक्टिव हो चुका है, अब ये फूल चुका है। अब हम इसे इडली के सांचे में निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है इडली का सांचा और इसमें हमने ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, इस तरीके से हमें डाल देना है इसमें। तो इस तरीके से हम इसे ऐसे इडली के सांचे में हम इसे भर लेंगे और इसे हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। इसे एक बार खोलकर चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी ये इडली अब फूल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे नाइफ। तो आप देख सकते हो कि ये नाइफ क्लियर बाहर आई है। तो अब हम इसे गैस पे से उतार लेंगे। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, बाद में ही हम इसे निकालेंगे। आप देख सकते हो हमारी ये जो इडली है हमने सर्व कर ली है प्लेट में, और देख सकते हो कि पता ही नहीं चल रहा है ये सूजी या पोहे से ये इडली बनाई है। तो बहुत ही ये झटपट बन जाती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।